हर साल दीपावली पर छोटे यानी फुटकर व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं। इस बार भी मार्केट में दुकानें लग गई हैं, लेकिन मक्सी रोड स्थित दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम यहां आ पहुंची है। व्यापारियों का कहना था कि दुकानों को हटाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर यह अतिक्रमण दीपावली के बाद हटाएं, जिससे उनके व्यापार का नुकसान ना हो, लेकिन नगर निगम गैंग मानने को तैयार नहीं हो रही थी, जिसके चलते क्षेत्रवासी दक्षिण विधायक डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। मोहन यादव का भी यही कहना है कि अच्छे कार्य के लिए वो मना नहीं कर रहे हैं, पर अभी त्यौहार का समय है, व्यापारियों ने सामान भर रखा है, इसलिए नगर निगम को ये कार्यवाही त्यौहार के बाद करना चाहिए और उस वक्त क्षेत्रवासी भी अपना पूरा सहयोग देंगे। इस बात पर सहमत होकर नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दीपावली तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उसके बाद क्षेत्रवासियों और दक्षिण विधायक के डॉक्टर मोहन यादव ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। इतनी सी रात में आप इतना बड़ा इसके क्यों बोलता है? हाँ, तो पास कर लेंगे। इनकी जो वरिष्ठ अधिकारी खत्म है, ठीक है, भैया खत्म हो जाएगा। काटा वाले ऐसी वो है, वर्मा जी है, वर्मा जी है काटा वाले, काटा का काम वो देखते हैं। ये तो नगर में देखिए, डिपो चौराहे का विकास कार्य किया जा रहा है और इस विकास कार्य के अंतर्गत नागरिकों के सहयोग से जो विद्युतीकरण का कार्य पिछले समय से रुका पड़ा था, उसे प्रारंभ करने की पहल की गई थी। इसमें कुछ विरोधाभास भी प्रकट हुआ है, तो अब जैसा कि उच्च स्तर से आदेश हुए हैं, अभी इस काम को स्थगित किया गया है। जैसा कि माननीय विधायक जी की चर्चा अधीक्षण यंत्री महोदय से हुई है, आगे जैसे निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा।